ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ජේතවන බිහාර මේ එක් වාර භික්ඛුව මේ චර්චා චල් රහී තී වරෙන්ජා කි වරෙන්ජා जो उत्तर प्रदेश में जिला बुलंदशहर है दिल्ली के पास है उसमें जो खुर्जा है संभवतः कुछ इतिहासकार कहते हैं कि खुर्जा ही वरंजा है। तो यहाँ भगवान बुद्ध चारिका करते हुए आए थे। एक यहाँ वमर था, कथा के अनुसार उसने उनकी वहाँ वाणी सुनी और वाणी सुनने के बाद में उनको आमंत्रित किया कि आप भिक्खु संघ के साथ आइए और एक वस्सावास हमारे यहाँ बिताइए। वस्सावास का मतलब है 3 से लेकर 4 महीने तक भिक्खु एक ही जगह रहते हैं और जो वस्सावास पे आमंत्रित करता है, निमंत्रित करता है, बुलाता है, वो उनके खाने का और रहने का ध्यान करता है और सारी व्यवस्था उसको करनी होती है। जो वमर था वो वस्सावास में आमंत्रित करके भूल गया, मगर चूंकि भगवान बुद्ध ने उसको शब्द दिए थे, बात कही थी और उसको यश किया था, उसको स्वीकृति दी थी, तो वो अपने नियत समय पर वहां पहुंच गए और वरंजा यानी जो खुर्जा है उसके बाहर उन्होंने एक खुली जगह में बाग में जहां भी था वहां एक डेरा डाल दिया। उन दिनों वहां वरंजा में एक तो वो भूल गया जो बुलाने आया था और एक बताते हैं वहां पे कि वहां भुखमरी पड़ गई, दुर्भिक्षा पड़ गई, खाना नहीं था, अकाल पड़ गया, बारिश समय पर नहीं हुई होगी इस कारण से तो खाने की बड़ी दिक्कत हो गई। भिक्खु संघ को खाने का सामान था नहीं। वहां एक घोड़े का व्यापारी भी आके रुका हुआ था और उसके पास घोड़े को खाने का दाना था, जो घोड़े खाते थे मोटा दाना था। उसने कुछ वहां कृपा की और भिक्खुओं को वहां वो घोड़े के खाने वाला दाना उसने दे दिया। तो जो आनंद थे, आनंद भिक्खुओं के लिए जो घोड़े का खाने का जो मोटा दाना था उसको रात को कूटा करते थे और कूट कूट कर उसको बारीक करके उसको पानी में भिगो के उसको उबाल के सुबह को सब भिक्खुओं को दिया करते थे। एक दिन भगवान बुद्ध ने पूछा कि आनंद ये खुटखुट की आवाज कैसी आती है, तो आनंद ने सारी स्थिति बताई। तो आनंद ने उनको बड़ी प्रशंसा की और बहुत ज्यादा कहा कि आनंद तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम बहुत समझदार हो, तुमने ये बहुत बढ़िया किया है। तो वो जो खाना वो सब लोग खाते थे उसको वो समता के आधार पर खाते थे, यानी कि जो पांचों इंद्रियां हैं, यानी जो पांचों इंद्रियां हैं, पांचों सेंसेस हैं, पांचों जो इनपुट हैं, यानी कि जो स्किन है पूरी या जो जीभ है या नाक है या कान है या जो आंखें हैं या मुंह है, तो उसमें वो समता के हिसाब से बिना स्वाद लिए बिना देखे उसको खाया करते थे। समय बीत गया 3-4 महीने, क्योंकि जैसा नियम था कि जो वस्सावास के लिए बुलाता है उसके यहाँ पुण्य मोदन के लिए जरूर जाता है भिक्खु संघ। तो भिक्खु संघ वहाँ पुण्य मोदन के लिए गया। जब पुण्य मोदन के लिए गया तो उस वमण को बड़ी शर्म आई क्योंकि वो भूल गया था। उसने बड़ा उनको माफी मांगी और फिर उसने उन सभी भिक्खुओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। भोजन में उसने जो उसकी क्षमता के अनुसार बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान हो सकते हैं वो पकवान उस समय के सबसे बढ़िया बनवाए। भिक्खुओं ने वो सारे पकवान वहाँ खाए और खाने के बाद में वो चले आए वहाँ से। तो जैसा उन्होंने घोड़े के दाने का समता के साथ में, बहुत आराम के साथ में, बिना उसको लगाव के साथ में, बिना ये माने हुए कि खराब है अच्छा है, उसको खाया उन्होंने 3-4 महीने, उसी समता के भाव से, उसी भाव से उन्होंने वो खाना जो बहुत बढ़िया खाना उसने बनवाया था वो भी खाया। यानी कि स्वाद का कोई उन पर फर्क नहीं पड़ा पूरे भिक्खु संघ पे, ना ही भिक्खु पे। खाना उन्होंने खाया, स्वाद उसका भी उन्हें वैसे ही लगा और उसका भी वैसे ही लगा जो खाना उन्हें उस समय मिला। ये बात वहां चर्चा में आई, तब जैतवन में भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही जो इस प्रकार है। सबत वे सब पुरिसा चजंती ने काम कामा लपयंती संतो सुखेन फुट्टा अथवा दुखेन ने उच्चा वचन पंडिता सब्बत वे सप्पुर रिसा चजंती। सब्बत माने होता है सत्पुरुष, यानी जो सब अर्थों को जानता है। सब्बत का मतलब है जो सब अर्थों को जानता है, सब सत्पुरुष बोलते हैं। वे सप्पुरिसा, वे माने हैं स्थिर रूप से, यानी जो फिक्स है। यहाँ जो वह शब्द है, वह शब्द के कई सारे अर्थ आते हैं। अगर वे कर दें इसको तो निश्चित हो जाता है, फिक्स हो जाता है, स्थिर अवस्था में हो जाता है। अगर वाह कर दें तो वाह का मतलब या हो जाता है। अगर वह खाली कर दें तो वह का मतलब जैसा या ही हो जाता है। और अगर उसमें हम वो कर दें तो वो का मतलब हो जाता है या, वो का मतलब हो जाता है तुम सबको या तुम सबका। यानी
वा का मतलब या हो गया, वो का मतलब हो गया तुम सबको या तुम सबका, वे का मतलब हो गया ही या जैसा, और अगर वे है तो उसका मतलब है निश्चित या स्थिर। यानी कि पाली में बहुत छोटे छोटे शब्दों का भी अर्थ वही निकलता है जो हम आजकल लगभग यूज करते हैं। तो पहली लाइन जो सबत्त वे सत्पुरुषा चजति का मतलब है कि सत्पुरुष जितनी भी इच्छा होती है उनको स्थिर रूप से चजन कर देता है। चजन का मतलब है छोड़ देता है, त्याग कर देता है, चजति कर देता है। तो चजति उसने कर दिया। क्या सारी इच्छाएं? सारी इच्छाएं वही होती हैं जो शरीर जिनको ग्रहण करता है। आंख से देखने की इच्छा होती है, बहुत बढ़िया बढ़िया देखें, सुंदर सुंदर देखें, कोई खराब ना देखें। कान से बहुत बढ़िया बढ़िया सुनने की इच्छा होती है, उसको छोड़ देते हैं। नाक से बहुत बढ़िया स्मेल सुनने की होती है, उसको छोड़ देते हैं। जो शरीर से बहुत बढ़िया आनंद आता है, शरीर को दबाने से या टच करने से या रगड़ने से, उसको छोड़ देते हैं। जो जीवा से खाने का स्वाद आता है, उसको छोड़ देते हैं। तो ये आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, इन सबसे जो रस आता है उसको छोड़ देते हैं। और जो मन से आता है, यानी इन सब में जो मन होता है उसको भी छोड़ देते हैं। यानी सब प्रकार से जितनी भी इच्छाएं उसको छोड़ देते हैं। खराब हो या अच्छा हो उनके लिए एक समान होता है। ने काम कामा लपयंती संतो, जो संत होते हैं वो काम कामा में लपलपाते नहीं है। लपलपाने का मतलब है जो बोलते रहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, जो लगातार लगातार बोलते रहते हैं, लपकते रहते हैं, लपलपाते रहते हैं, वो काम संत लोग नहीं करते। उसको काम काया को छोड़ देते हैं। काम काया का मतलब है काम वासना, यानी किसी चीज की इच्छा करना या काम वासना, उसमें वो लपलपाते नहीं है, यानी उसका जिक्र भी नहीं करते, अपनी बातों में उसको लेके भी नहीं आते। सुखेन फुट्टा अथवा दुखेन, सुखेन फुट्टा अथ हो या, यानी कि सुखेन, सुखेन का मतलब सुख हो या दुख हो, वो कभी भी फुट्टा नहीं करते। फुट्टा का मतलब प्रदर्शन नहीं करते, व्यक्त नहीं करते, यानी वो दिखाते नहीं है, उनके अंदर से फूटता नहीं है, वो बताते नहीं है कि उनको सुख है या दुख है। कैसे? ने उच्चा वचंग पंडिता दस्यंती, समझदार जो होता है। उच्चा वचंत का मतलब है कि जो उच्च है या नीचा है, यानी उतार चढ़ाव है। खाना अच्छा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, स्मेल बेकार है तो ठीक, नहीं स्मेल अच्छी तो ठीक, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, जो सीन देखा है वो ठीक है या खराब है, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। उनके शरीर पे या उनकी वाणी में या उनकी आंखों में या उनके मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। वो सारे उतार चढ़ाव को जितने पंडित लोग, यानी जो समझदार लोग हैं, जानकार लोग हैं, जो धर्म के जानकार हैं, वो सभी लोग उतार चढ़ाव में कोई भी व्यक्ति नहीं देंगे, अभिव्यक्ति नहीं देंगे, कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई चीज को आपको नहीं दिखाई देगी उनकी, वो बिल्कुल समानता में रहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के पूरे शावक संघ को, भिक्षु संघ को घोड़ों का खाना मिला तो उसमें भी वो वैसे थे, और जब बहुत अच्छा खाना मिला तो तब भी वो वैसे थे। ये गाथा उन्होंने जैतवन में कही। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gacchami.
शरणं गच्छामि मिठटारविर्मनि सिक्खापदंस्माध्यामि कामेषु मिठटारविर्मनि सिक्खापदंस्माध्यामि कामेषु मिठटारविर्मनि